ग्वालियर के जनकगंज थाना क्षेत्र के गुल पहाड़ी इलाके में युवक के मंदिर में पीछे सिद्धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। दुखद पहलू ये कि युवक सुबह मंदिर में दर्शन के लिए आया, पता चला कि मंदिर में दर्शन करते समय पीछे से उस पर ताबड़तोड़ वार किए गए। बेहद गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने देखते ही मृत घोषित कर दिया। दरअसल सोमवार सुबह रिंकू घर के पास पुराने शिव मंदिर में पूजा करने के लिए निकला था। कुछ देर बाद जब लोग यहां पहुंचे, देखा मंदिर में खून ही खून पड़ा है। छात्र का शव मंदिर में शिवलिंग के पास पड़ा था। मंदिर के ठीक सामने जनकगंज थाने की गोल पहाड़िया पुलिस चौकी है। शव देखकर लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मृतक रिंकू उर्फ अमर रजक चार्टर्ड अकाउंटेंट की तैयारी कर रहा था। वह दो भाई दो बहनों में छोटा था। इस नृशंस हत्या का कारण और आरोपी दोनों ही अज्ञात हैं। जनकगंज पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू की। बता दें रिंकू की हत्या हुई, वह मंदिर पुराना है, यहाँ लोगों का ज्यादा आना जाना नहीं रहता, इसलिए देर से जब स्थानीय लोग पहुंचे तो घटना का पता चला। किसी ने केवाड़ खटखटाए, बोला आपका बच्चा बेहोश पड़ा हुआ मंदिर के अंदर। हमने जाके देखा, बच्चा लथपथ खूनमल डाला हुआ था। फिर जाके जैसे तैसे हमने उसको संभाला। हम फिर भी मंदिर से घर तक अस्पताल तक ले आए, ऑटो में लेके आए, गाड़ी नहीं आई एम्बुलेंस, समय लगेगा इसके लिए, समझे। वो यहाँ पे आए तो उन्होंने बोल दिया ये तो खत्म हो चुका है। ये घायल अवस्था में अस्पताल जीएच अस्पताल में पहुंचा था एक आहत, उसकी वहाँ इलाज के कराते हुए उसकी मृत्यु हो गई है। वो यहाँ मंदिर में दर्शन करने और पूजा अर्चना करने आया हुआ था, उसको किसी अज्ञात व्यक्ति ने पीछे से मार दिया है, इससे उसको गंभीर चोट आई जिससे उसकी मृत्यु हो गई।